समग्र विस्तार से जमशेदपुर तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मंगलवार को ग्रामीणों ने बिष्टपुर स्थित विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विशाल प्रदर्शन रैली भी निकाली गई जो बिष्टपुर गोल चक्कर से शुरू होकर पैदल मार्च करते हुए महाप्रबंधक कार्यालय तक पहुंची। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों महिला व पुरुष शामिल थे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय खाने किया। इस दौरान इन्होंने बताया कि डीवीसी बहुल इलाकों में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है और ग्रामीण इलाकों में तो बिजली ही नहीं है। इन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने विभाग को विद्युत आपूर्ति के लिए शुल्क भी जमा करवा दिया है, परंतु एक वर्ष बीत जाने पर भी अब तक विभाग ने विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं की है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं इन्होंने विभाग के महाप्रबंधक को एक मांग पत्र भी सौंपा है और मांग की है कि आगामी 15 दिनों के भीतर सभी समस्याओं को दूर किया जाए, अन्यथा ये विभाग की तालाबंदी कर देंगे। मणिपीठ में ऐसे बहुत सारे जगहों में जहाँ पर बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर नहीं मिला, बहुत बार हम लोगों ने जनरल मैनेजर को लिख के दिया है, पढ़ के दिया है, लेकिन आज तक वहाँ पर बिजली पानी नहीं आया। और ऐसे भी जगह है पटंदा में जहाँ पर बांस तला में जहाँ पर एक साल पहले बिजली के लिए पैसा ले लिया गया और लेने के बावजूद भी आज तक वहाँ बिजली नहीं दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि एक साल में एक महीने के अंदर पैसा जमा कर दीजिए, उसका चुटका भी हम लोग के पास में, और एक साल हो गया वहाँ पर, डेढ़ साल हो गया, दो साल हो गया भी, लेकिन आज तक बिजली नहीं आया है। जबकि माननीय सांसद वहाँ पर बोले थे, वहाँ के विधायक बोला था, लिख के दिया था, और ग्रामीणों के पास में चुटका भी जो बिजली का वहाँ पोल नहीं लगा, तार नहीं, और भी इस शहर के ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ पर बिजली 24 घंटा नहीं मिल रहा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मिलता है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धि बनाती है तो बोलती है हम 24 घंटा बिजली देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए पूरा पटंदा बुढ़ान के हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, देव सहित जी हैं और सारे लोग वहाँ के जो प्रभावित हैं, मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या मांगे पूरी नहीं तो नहीं। हम लोगों ने पिछला एक साल से ट्रांसफार्मर के लिए, बिजली के लिए, पोल के लिए, तार के लिए ज्ञापन हमेशा दिया है। 15 दिन का हम लोग एक अल्टीमेटम देंगे बीजीएम को, और उसके बाद नहीं होगा तो यहाँ पर घेराव होगा, बंदी होगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहते हैं, उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेवार प्रशासन होगी और जिला के महाप्रबंधक। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ठगने का मामला प्रकाश में आया है। जीतू सिन्हा नामक व्यक्ति ने कई ऐसे लोगों से नौकरी व ट्रेनिंग के नाम पर पैसों की ठगी की है। बताया जाता है कि ठग जीतू सिन्हा ने कई लोगों से टाटा कंपनी में सेफ्टी ट्रेनिंग व नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की ठगी की है। लगभग 30 भुक्तभोगियों ने मंगलवार को बिष्टपुर थाना पहुंचकर उक्त ठग के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना था कि जीतू सिन्हा नामक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से 5,000 रुपए लिए थे और कहा था कि टाटा कंपनी में सेफ्टी ट्रेनिंग व कंपनी के ठेकेदार ग्लोबल कंस्ट्रक्शन में नौकरी लगवा देंगे। और इन 30 लोगों के अलावे भी कई और लोग इसी तरह के ठगी के शिकार हुए हैं। फिलहाल भुक्तभोगियों ने बिष्टपुर थाने पहुंचकर ठग के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये जीतू सिन्हा करके ठेकेदार हैं जो हम लोग से पैसे लिए 5,000 रुपए करके, और हम लोग जब मैंने हम लोग को रोज जो है आजकल करके बोल रहे थे और सेफ्टी करा देंगे, रोज झांसा दे रहे थे। कौन कंपनी? ग्लोबल कंपनी कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद से फिर हम लोग जब तंग आ गए तो हम लोग बोले कि हम लोग का पैसा वापस कर दीजिए, तो जब हम लोग बोले पैसा वापस कर दे तो आया, और उसके बाद से जब हम लोग चारों तरफ से जब हम लोग सभी लोग उनको पकड़े तो क्या किए कि गाड़ी बाइक अपना छोड़ के, कागज पत्र छोड़ के भाग गए। और उसके बाद से उनका जो है हम लोग पूरा मैंने 10 बजे तक उनका बिष्टुपुर में पोस्ट ऑफिस के सामने हम लोग बहुत इंतजार किए, लास्ट में हम लोग ने थाना में उनका गाड़ी जमा कर दिया। अच्छा, किस कंपनी में काम लगाने के लिए पैसा दिया? ग्लोबल कंस्ट्रक्शन। वो कहाँ है? टिस्को अंदर, कंपनी के अंदर में। हम लोग को इसी तरह बताया गया। कितना होंगे आप लोग इस तरह से? इस तरह से हम लोग 28-30 का लगभग हैं। ऐसे तो पहले से भी उनके पास पेपर है, हम लोग जब उनका पेपर पकड़े हम लोग
तो और भी पेपर उनका मिला, लेकिन उस सब के बारे में तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है इधर से हम लोग 30 आदमी के लगभग हैं